हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन दुकान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स लाइव। तो दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग और बात करने वाले हैं इन्हीं बर्ड्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दुकान यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स लाइव का बॉक्स, और यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पे आपको एक इमेज देखने को मिल जाती है इन्हीं बर्ड्स की। साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स लाइव। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो है 6 आवर का प्ले टाइम देखने को मिलता है, ट्रिपल माइक्स फॉर क्लियर कॉल्स, और यहाँ पे आपको जो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको जो है इसकी MRP वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो बॉक्स को ओपन करते ही सामने यहाँ पे आपको जो है एक यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है कुछ ऐसे बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के, यहाँ पे आपको जो है क्विक स्टार्टर गाइड देखने को मिलती है, वारंटी कार्ड और एक मैनुअल। तो इनको रखते हैं साइड में। सामने की तरफ यहाँ पे आपको जो है केस देखने को मिल जाता है इन्हीं बर्ड्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी एक ग्लॉसी सी, एक अच्छी सी यहाँ पे जो आपको केस की बॉडी देखने को मिलती है, और काफी एक अच्छी सी डिजाइन में आता है। यहाँ पे पीछे की तरफ जो है टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप इन्हें जो है चार्ज कर सकते हैं। और इसको ओपन करते ही यहाँ पे आपके सामने रखे हुए आपके सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स लाइव। तो अभी इनको रखते हैं साइड में और बॉक्स के बाकी सारे कंटेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक केबल और देखने को मिल जाती है सैमसंग की। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाली एक स्टैंडर्ड टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है आपको चार्जिंग के लिए। और बाकी यहाँ पे केबल के अलावा आपको दो यहाँ पे रबर ग्रिप देखने को मिल जाती है इन्हीं बर्ड्स की। तो आप जो है इनको बाद में चेंज कर सकते हैं, एक जो रबर है वो पहले से लगी हुई आती है इन्हीं बर्ड्स के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ड्स का जो केस आपको देखने को मिलता है काफी ग्लॉसी सी एक फील देता है, प्रीमियम फील देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा लगता है देखने में। और जैसे आप इनको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने रखे हुए आपके बर्ड्स लाइव। तो इनको निकाल के देखते हैं तो यहाँ पे जो है दोस्तों एक काफी यूनिक सी आपको स्टाइल देखने को मिलती है इन्हीं बर्ड्स की। आप देख सकते हैं काफी छोटा सा यहाँ पे आपको जो है बर्ड देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो है साइड में स्पीकर देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो है चार्जिंग पॉइंट है। बाकी आप देख सकते हैं काफी छोटे से बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं बाकी बर्ड्स के मुकाबले। और जो ये रबर ग्रिप थी वही आपको जो है रबर ग्रिप एक्स्ट्रा देखने को मिलती है चार्जिंग केबल वाले केस के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको केस के अंदर एक LED लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको चार्जिंग के टाइम पे इंडिकेशन देगी और बाकी टाइम पे जब ये बर्ड्स ऑन होंगे तब इंडिकेशन देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केस की भी डिजाइन आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। दोस्तों, इन बर्ड्स के अंदर आपको जो केस है वो मैग्नेटिक केस देखने को मिलता है, तो ये काफी आसानी से जो है बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे सामने की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सैमसंग साउंड बाय AKG। तो यहाँ पे आपको जो AKG का साउंड देखने को मिलता है, काफी अच्छा साउंड देखने को मिलता है यानी बर्ड्स के अंदर। तो इनको करते हैं अपने फोन से कनेक्ट और दिखाते हैं आपको कैसे यहाँ पे जो आवाज आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक सैमसंग का फोन है तो इन बर्ड्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपके सामने सैमसंग के फोन में नोटिफिकेशन आ जाता है इन्हीं बर्ड्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं फोन के अंदर नोटिफिकेशन आ चुका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज दिखाता है बर्ड्स की और केस की दोनों की। तो यहाँ पे हम जाके इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, हालांकि मेरे फोन में जो है पहले से ही कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है सैमसंग का फोन है, और यहाँ पे जो है मैंने इन बर्ड्स को कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे आप अपने ब्लूटूथ वाले सेक्शन में सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक ऐप का फीचर देखने को मिलेगा, जो कि आता है ओपन गैलेक्सी वियरेबल ऐप के नाम से। तो यहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद सारे ही फीचर यहाँ पे आप जो है एक्सेस कर सकते हैं एनी बर्ड्स के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप जो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को भी ऑन कर सकते हैं, टच कंट्रोल को भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो आप ईयरबड्स की सेटिंग को भी अपने मन के हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको जो है इनकी टिप्स और यूजर मैनुअल भी देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो इन बर्ड्स के अंदर आपको एक अच्छा फीचर देखने को मिलता है, जो कि आता है फाइंड माई ईयरबर्ड्स नाम से। तो जैसे आप अगर इन ईयरबर्ड्स को निकाल के रख देते हैं और आपके जो है ईयरबर्ड्स खो जाते हैं, तो यहाँ पे आप जो है अपने फोन के ऐप के थ्रू यहाँ पे जो है इनके अंदर एक साउंड प्ले कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ।
तो कुछ इस टाइप की जो है ये आवाज करते हैं, अगर आप अपने ऐसे ऐप से ढूंढना चाहते हैं तो ऐसे ढूंढ सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ एक ईयरबड की भी यहाँ पे आवाज जो ऑन करके रख सकते हैं। अभी फिलहाल एक ईयरबड के अंदर से आवाज आ रही है। और बाकी यहाँ पे आप जो ऐप के अंदर से टचेस वगैरह को ब्लॉक भी कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे जो है और भी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं इसी ऐप के अंदर। आप जो है इनसे कॉल भी पिकअप कर सकते हैं और ऑडियो वगैरह को जो है टच से कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों इन एयरबड्स के अंदर आपको जो है 12 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है, जो कि ये काफी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है आप लोगों को। और यहाँ पे जो आपको ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो ये आपके जो है किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इन बड्स के अंदर आपको जो है वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपका फोन जो है पावर शेयरिंग सपोर्ट करता है, तो आप इन बड्स को जो है वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू। दोस्तों यही थे सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।